الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وقال تبارك وتعالى في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے لنا شمس وللآفاق شمس لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی افضل شمس السماء بزرگان محترم قابل قدر حاضرین و سامعین یہ ماہ بھی اپنے اختتام کے قریب ہے گزرنے کے قریب ہے بہرحال میں نے گزشتہ جمعہ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ کمال ایمان کا جو مدار ہے وہ حب رسول ہے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر ایمان کے کامل ہونے کا مدار رکھا گیا ہے اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ محبت کی تین قسمیں ہیں ایک حب طبعی ہے ایک حب عقلی ہے اور ایک حب ایمانی ہے حب طبعی بتقاضائے فطرت فطری طور پر انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے جیسے کہ ماں باپ کو اپنے اولاد سے محبت ہوتی ہے اولاد کو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے تو ان تمام چیزوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایک امتی کو
और साहिब ईमान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मोहब्बत हो माँ बाप से भी आलो औलाद से भी, तो ये ईमान के कामिल होने की मुकम्मल होने की अलामत और निशानी है। जैसा कि मैंने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वाक़िया हजरात के सामने रखा था। इसी तरह से दूसरी कसम है हुब्बे अकली, जिसका मतलब ये है कि अकल एक चीज़ को तस्लीम नहीं करती है। बीमार आदमी है, दवा दारू इलाज कराना गवारा नहीं करता है, ऑपरेशन की नौबत आ जाए तो अकल उसे मानती नहीं है, लेकिन उसके नतीजे को देखते हुए फिर अकल तस्लीम करती है कि आखिर में इन तमाम चीज़ों से गुजरने के बाद राहत है, सुकून है, आराम है, फिर मान लेती है अकल। इसी तरह से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर, आपके तरीक़त पर, आपके रास्ते पर चलना नफ्स को गवारा नहीं है। फिर आखिरी जो नतीजा है, नतीजा की तरफ अगर इंसान अकल सोचती है तो फिर मानने पर मजबूर हो जाती है, तस्लीम करने पर आमादा हो जाती है कि मानने के बाद, अल्लाह के हुक्म पर चलने के बाद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने के बाद उखरवी नेमतें मयस्सर होगी, तो फिर अकल तस्लीम कर लेती है। और तीसरी कसम हुब्बे ईमानी, इसे भी मैंने तफसील से आप हजरात के सामने रखा था कि हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने वालिद अबू सुफियान को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर मुबारक पर बैठने नहीं दिया। ये हुब्बे ईमान ईमानी का नतीजा है कि वालिद है, लेकिन उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक और पाकीज़ा बिस्तर पर बिठाना और ठहराना गवारा नहीं किया। ये हुब्बे ईमानी का नतीजा है। तो बहरहाल मैंने अर्ज़ किया था कि मोहब्बत की तीन किस्में हैं, और इंसान को जब मोहब्बत होती है तो किस बुनियाद पर मोहब्बत होती है, किन असबाब के तहत, किन वजूह के तहत इंसान को दूसरे से मोहब्बत होती है, मोहब्बत के असबाब क्या है। तो मोहब्बत के चार असबाब हैं। एक कराबत है, दूसरा जमाल है, तीसरा कमाल है, चौथा एहसान है। और ये चारों सबब असबाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बतरजहे अकमल व अतम तौर पर पाया जाता है कि कराबत, इंसान को औलाद से मोहब्बत होती है, कराबतदारी का ताल्लुक होता है, औलाद को माँ बाप से, दूसरे लोगों से, रिश्तेदारों से कराबत होती है। इन तमाम चीज़ों से बढ़कर, तमाम लोगों से बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कराबत का जो ताल्लुक है, जो रिश्ते कराबत है, वो मोमिन के साथ है और बहुत ज़्यादा है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अन्नबी अवला बिल मोमिनीन, के नबी को मोमिनों से जो लगाव है उनसे, उनकी जानों से ज्यादा है। अवला बिल मोमिनीना, नबी को मोमिनों से जो लगाव है, ताल्लुक है, कराबत है, वो उनकी जान से भी ज्यादा है। तो मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कराबत का जो ताल्लुक है हमारी जानों से भी ज्यादा है। इस बुनियाद पर एक मोमिन को, साहिब ईमान को, इस्लाम के अलमबरदार को, मानने वाले को आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत होनी चाहिए खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो पहला सबब है कराबत, दूसरा सबब है जमाल, कि अल्लाह तबारक व ताला किसी बंदे के अंदर हुस्न व जमाल को रख देता है, पैदा फरमा देता है, उसी बुनियाद पर इंसान दूसरे से मोहब्बत करता है।
एक वाकिया ज़हन में आता है कि एक अल्लाह के नेक बंदी थी, उनका ताल्लुक अल्लाह वालों के साथ जुड़ा हुआ था। अच्छा ताल्लुक को गलत कोई गलत ताल्लुक नहीं, जिस तरह से अल्लाह के बंदे को कुछ अल्लाह वालों से निस्बत होती है, ताल्लुक होता है, अपनी बातिनी इस्लाह के लिए उनसे मुंसलिक होते हैं, जुड़ते हैं, उनकी खिदमत में जाते हैं, रहते हैं, इसी तरह से अल्लाह के बंदे बहुत सारी ऐसी गुजरी है कि अल्लाह वालों से उनको ताल्लुक होता था और वह बातिन की इस्लाह के लिए, तज़किए नफ्स के लिए उनकी खिदमत में आया जाया करती थी, उनसे उनका ताल्लुक होता था। तो एक अल्लाह की बंदी मुरीदनी अपने पीर साहब के पास बातिन की इस्लाह के लिए, नफ्स के इस्लाह के लिए जाती थी। एक मुरीद की नज़र उन पर पड़ गई, अब उनके ऊपर फरेख्ता हो गया। अल्लाह के बंदी वो भी पहुंची हुई थी और बातिन उनका बिल्कुल पाक सा पाक था, पाकीज़ा था, साफ सुथरा था। उन्होंने महसूस कर लिया कि इस बंदे के अंदर कोई बीमारी पैदा हो गई, कोई मर्ज पैदा हो गया है, इनकी इस्लाह करनी ज़रूरी है। तो उन्होंने सोचा और सोचने के बाद एक तरीका इख्तियार किया कि एक मर्तबा जब आई तो आने से पहले इंतज़ाम ये किया कि लूज मोशन की गोली खाई और इस तरह से जितनी गलाजत थी, गंदगी थी पेट के अंदर, वो सारी गंदगी निकल गई। एक तश्त पर एक थाले में वो लेकर उसे अच्छे तौर पर ढाक कर उनकी खिदमत में आई और उनको पेश किया। ये बंदा खुश है कि इनकी तरफ से नजराना मिल रहा है, हदिया मिल रहा है, तोहफा मिल रहा है। जब खोल कर देखा तो फिर बदबू ऐसी फूटी, वो आदमी भागने लगा। वो बंदी कहने लगी, अरे भागते क्यों? जिस बुनियाद पर, जिसकी वजह से तुम्हें, जिसके ऊपर फरेबता होते थे, जिसके लिए तुम दीवाना होते थे, यही चीजें हैं कि इंसान के पेट में अगर गंदगी है, नापाकी है, तो इंसान दिखने में जरा अच्छा दिखता है। अगर निकल जाए वो सारी गंदगी, सारी गलाजत, और पेचिश हो जाए, लूज मोशन हो जाए, तो आंखें भी धस जाती है, अंदर चली जाती है, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती है, खूबसूरती बदसूरती में, बदशक्ली में तब्दील हो जाती है। तो बहरहाल फिर उस बंदे की जो अकल है ठिकाने आ गई है और फिर वो सुधर गया। तो कहने का मतलब ये है कि किसी इंसान को किसी से मोहब्बत होती है तो हुस्न व जमाल की बुनियाद पर, खूबसूरती की बुनियाद पर। अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे नौए इंसानी में सबसे ज्यादा हसीन और जमील बनाया था, खूबसूरत बनाया था। यहाँ तक के कहा जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्ने सबाहत से नवाजा था, हुस्ने सबाहत अता फरमाया था, और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुस्ने मलाहत अता फरमाया था। ये थोड़ी सी बारी की बातें हैं, समझने की बातें हैं कि हुस्ने सबाहत किसे कहते हैं और हुस्ने मलाहत किसे कहते हैं। हुस्ने सबाहत हज़रत उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि ऐसा हुस्न जिसकी तरफ निगाह जमती ही ना हो, टिकती ही ना हो। मिसाल तौर पर फरमाया कि सूरज है, सूरज की रोशनी है, इंसान सूरज को देखना चाहे तो नजर जमती नहीं है, निगाह टिकती नहीं है, इसे हुस्ने सबाहत कहते हैं। और हुस्ने मलाहत कहते हैं कि ऐसा हुस्न, ऐसी खूबसूरती कि जिससे नजर और निगाह हटती ही नहीं, दूसरी तरफ निगाह जाती ही नहीं, तवज्जो पड़ती ही नहीं, ऐसा हुस्न तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुस्ने मलाहत अता फरमाया था। यही वजह है कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रिवायत करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने कद्दो कामत के एतबार से इंसानों में सबसे ज्यादा खूबसूरत मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया था।
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर तमाम इंसानों के चेहरों पर नुमाया जाहिर होता था खूबसूरती, और आपके जसदे अतहर से जिसमें मुबारक से खुशबू महकती थी, ऐसा हसीन और जमील हुस्न और जमाल का पैकर खूबसूरत अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। तो मैंने अर्ज किया कि मोहब्बत का जो सबब है, चार सबब में से दूसरा सबब हुस्न और जमाल है। हजरत जाबिर इब्न समूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि चांदनी रात थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को मैं बार बार देख रहा था, चांद पर भी मेरी नजर पड़ रही थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के जो नूर थे, नूरानियत थी, उसके सामने चांद की रोशनी वो मान पड़ गई थी, फीकी पड़ गई थी। इतना खूबसूरत, इतना हसीन और जमील हुस्न और जमाल वाला अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया था। कुरान मजीद के 12वें पारे के अंदर सूरह यूसुफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती की एक मिसाल बयान फरमाई कि मिस्र की औरतों ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा, खूबसूरती को देखा, तो फल काटने के बजाय, जुलैखा ने फल काटने के लिए हाथ में दिए थे, चाकू भी दिए थे, लेकिन फल काटने के बजाय उन्होंने अपने हाथ की उंगलियां काट दी थी। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मिस्र की औरतों ने हुस्ने यूसुफ को देखा तो अपनी उंगलियों को काट ली। अगर मेरे महबूब को, मेरे सरदार को, मेरे सरताज को, इमामुल अंबिया खातिमुन नबीयीन वल मुरसलीन को अगर देख लेती, आपको हुस्ने जमाल को देख ले, तो अपने दिलों को वो चीर लेती थी। उंगलियां काटने की बात तो दूर की है, दिलों को वो चीर लेती थी। इतना हुस्न व जमाल का पैकर खूबसूरत अल्लाह तबारक व ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया था। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि एक सहाबिया के घर से मैंने आरियतन आर्जी तौर पर सोई लिया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े सीने के लिए। एक मर्तबा रात में वो सोई मेरे हाथों से गिर गई, रात अंधेरी थी, तारीकी थी, तलाश किया वो सोई मिली ही नहीं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर गए थे, तशरीफ लाए, जब दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर के नूर से जगह रोशन हो गई, और फिर मैंने देख लिया कि सुई फुला जगह पर पड़ी है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा हुसन अता फरमाया था, अल्लाह तबारक व तआला ने औरों को भी बड़ा हुसन अता फरमाया था, लेकिन ऐसा हुसन, ऐसी खूबसूरती कि जिसके खूबसूरती की वजह से तारीकी रात में भी जगह रोशन हो जाए, ऐसा हुसन वाला, ऐसा खूबसूरत अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ आपको बनाया था। इसी वजह से हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह ने भी खूब कहा है, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी आचे खोबा हमा दारंद तू तनहा दारी, यानी कि सारा कमाल, कमाल का जो मजमा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में अल्लाह तबारक व तआला ने जमा फरमा दिया था। जितनी खूबियां हैं, जितने कमालात हैं, जितने मोजिज़े हैं, जितना वस्फ है, सारे कमालात को, सारी खूबियों को, सारे औसाफ को, सारे मोजिज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में जमा फरमा दिया था, मुश्तमे कर दिया था। इसीलिए अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि लना शम्सुन वलिल आफाक शम्सुन, लना शम्सुन मेरा एक सूरज है, वलिल आफाक शम्सुन दुनिया वालों का भी एक सूरज है, व शम्सी अफजल शम्सि समा, और मेरा जो सूरज है दुनिया के सूरज